2008 के परिसीमन से पहले सारण लोकसभा सीट छपरा के नाम से जाना जाता था। यह रासत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वे यहां से चार बार सांसद रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू की पत्नी राबड़ी देवी को राजद की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। मोदी लहर में राजद इस सीट को नहीं बचा सकी और भाजपा से राजीव प्रताप रूड़ी करीब 40,000 वोटों से जीतकर तीसरी बार संसद पहुंचे। बीते दो दशक से इस सीट पर राजद और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। महागठबंधन में हुए सीट शेयरिंग के बाद सारण सीट राजद के खाते में आई। पार्टी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिया। एनडीए की तरफ से भाजपा के टिकट पर राजीव प्रताप रूड़ी मैदान में हैं। इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। यहां 6 मई को वोटिंग होनी है। सारण से अपने ससुर चंद्रिका राय को टिकट देने पर तेज प्रताप नाराज हो गए थे। तेज प्रताप अपने उम्मीदवारों के लिए 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन वह भी नहीं दी गई। इस बात से नाराज होकर तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया और ससुर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। परिवार के दबाव के चलते तेज प्रताप नरम पड़े और उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लालू प्रसाद यादव का इस सीट पर दबदबा रहा है। वे यहां से 4 बार सांसद चुने गए। 1977 में भारतीय लोक दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद रहे। राम शेखर प्रसाद को शिकस्त देकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। लालू यादव करीब 3.5 लाख वोटों से ये चुनाव जीते थे। राम शेखर इस सीट से 1962, 1967 और 1971 में सांसद चुने गए थे। लालू 1989 में जनता दल, 2004 और 2009 में राजद के टिकट पर यहां से सांसद रहे। वे यूपीए 2 की सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। सारण 1977 से पहले तक कांग्रेस के मजबूत किला के रूप में जाना जाता था। एमरजेंसी के बाद कांग्रेस इस सीट पर एक बार भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। 1996 में पहली बार इस सीट पर भाजपा का खाता खुला। राजीव प्रताप रूड़ी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे लालू बाबू राय को हराकर पहली बार संसद पहुंचे। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में वे राजद के हीरा लाल रॉय से हार गए थे। 1999 में रूड़ी ने राजद के हीरा लाल को हराकर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। 2004 और 2009 में वे राजद सुप्रीमो लालू यादव से चुनाव हार गए थे। मोदी लहर में 2014 में रूड़ी राबड़ी देवी को हराकर तीसरी बार संसद पहुंचे। रूड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उड्डयन मंत्री, जबकि मोदी मंत्रिमंडल में स्किल डेवलपमेंट मंत्री रह चुके हैं। राजपूत और यादव बहुल सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोट वैश्यों और मुस्लिमों का माना जाता है। MY समीकरण बनाकर लालू यादव इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। राजपूत और वैश्यों की गोलबंद कर भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी इस सीट से 3 बार चुने गए। सारण संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, मंडौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटों पर राजद और 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी।